हमारे एक क्लाइंट सतीश जी जब हमसे मिलने हमारे ऑफिस में आए तो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने हमसे आकर कहा कि मैडम जी, हमारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापारी हूँ, पर दिक्कत ये आ रही है कि लोग हमारे सामान तो ले जाते हैं पर सही समय पे पैसा वापस नहीं करते, और अगर उनको फोन करो तब भी वो हमारा फोन नहीं आंसर करते हैं। ये थी उनकी पैसे की समस्या। अब हम वास्तु की नजर से देखते हैं कि पैसे की समस्या क्यों आती है। पैसा पैसा एक माध्यम है हमारी सपनों को साकार करने के लिए। पैसा क्या देता है? पैसा पावर देता है, पैसा कॉन्फिडेंस देता है, जील देता है कुछ काम करने के लिए। और वास्तु में पैसे को फायर एलिमेंट से रिलेट करते हैं। पंच तत्व मालूम है ना, कौन कौन से? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो जो फायर के एट्रीब्यूट्स हैं उसको पैसे से रिलेट करते हैं। इसी कारण से वास्तु में जो किचन का प्लेसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किचन का प्लेसमेंट आपके घर में किस जगह पर बना है उस पर डिपेंड करता है कि आपके घर में पैसे का स्मूथ फ्लो बना रहेगा। और फायर के जोन्स कौन से हैं? फायर के जोन्स होते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। बिल्कुल ठीक। अब जब हमने विजिट किया सतीश जी के घर में तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि उनका किचन तो फायर के जोन में ही बना हुआ है, फिर भी पैसे की दिक्कत आ रही है। पैसे की दिक्कत आ रही है, हमने जब उसको ज्यादा ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि वहां पर किचन में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ है। अब जब इसको तत्वों के माध्यम से देखेंगे तो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है, और जब आग की जगह पर पानी आ जाएगा तो क्या होगा? पानी आग को वीकेंड कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये रही एक बात। और क्या देखा हमने? और क्या पाया कि जिन क्लाइंट्स से उनको पैसे लेने थे उन्होंने उन सब के बारे में डिटेल्स जो फाइल थी उसको WNW जोन में रखा हुआ था। जोन से हमारा मतलब है डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन और लो मूड्स का है। वहां पर सतीश जी ने कस्टमर की फाइल्स रखी हुई थी। ठीक है, अब समझते हैं कि फायर को अपने घर में स्ट्रेंथन करने के क्या उपाय हैं। फायर जिसको कि हम वास्तु में किचन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किचन की एक्टिविटी फायर की एक्टिविटी है, आग जलाकर खाना पकाते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन तो क्या है कि फायर किचन की एक्टिविटी फायर के जोन्स में की जाए, और ध्यान क्या रख लेंगे कि वहां पर ब्लैक ग्रेनाइट ना हो। बिल्कुल ठीक। अब अगर वहां पर ब्लैक ग्रेनाइट है तो क्या करेंगे? क्या उसे डिमोलिश करके नया पत्थर लगवाएंगे? बिल्कुल नहीं। महावास्तु टेक्निक्स बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज देती है। हम इसको बैलेंस करने के लिए वहां पर अगर एक ग्रीन कलर का मार्बल स्टोव के नीचे रख देंगे तो तत्व शुद्धि से वाटर एंड फायर बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें अगर आपके घर में किचन फायर के जोन्स में नहीं है लेकिन दूसरे जोन्स में है? तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बैलेंसिंग के उपाय बता देते हैं। अगर हमारा किचन किसी भी वाटर के जोन में आ जाता है, वाटर के जोन्स NNW, नॉर्थ, NE, NNE, तो वहां पर हरे रंग का पत्थर लगाकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका किचन साउथ वेस्ट और SSW जो कि अर्थ के जोन्स है और नॉर्थ वेस्ट में भी आ रहा है,
तो वहां पर हम येलो रंग का पत्थर लगाकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक समस्या नहीं है तब तक आपको ये सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं है। इफ ओनली द प्रॉब्लम एग्जिस्ट यू शुड गो अहेड एंड डू द बैलेंस। अगर पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपका किचन गलत डायरेक्शन में बना हुआ है तो आप ये बैलेंसिंग जरूर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है अगर फायर अपने घर में वीक है? फायर वीक होने से फायर की एट्रीब्यूट्स जो है क्या है, पावर, कॉन्फिडेंस, साउंड स्लीप, इस तरह की भी दिक्कत आती है। तो अगर इस तरह की आपकी दिक्कत है और आप अगर देखते हैं कि आपका किचन इम्बैलेंस्ड है, या तो फायर जोन्स में ब्लैक ग्रेनाइट लगा है या दूसरे जोन्स में बना हुआ है, तो बिल्कुल आप उसको बैलेंस कीजिए। अब बात करते हैं हमारे केस के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। सतीश जी के केस में जहां पर रिकवरी की दिक्कत आ रही थी, वहां पर कैसे बैलेंस किया हमने? हमने वहां पर साउथ ईस्ट में एक ग्रीन कलर का मार्बल लगवा दिया, बिल्कुल ठीक। और वहां पर फायर को स्टैब्लिश करने के लिए एक रेड कलर के बल्ब को लगाने के लिए सुझाव दिया। और क्या किया हमने, उनके जो WNWA में क्लाइंट्स के फाइल्स थे उसको शिफ्ट करके हमने वेस्ट में रखवा दिया। वेस्ट होता है ना प्रॉफिट्स का जोन, तो क्या होगा कि उनके जो क्लाइंट्स, जो उनके पुराने क्लाइंट्स है, वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बस ये तीन टिप्स। और रिजल्ट क्या आया, अगले 2 दिन में उन्होंने 10 लाख से भी ज्यादा की रिकवरी कर ली और आगे भी कैश क्रंच की दिक्कत उन्हें नहीं आई। ये होते हैं महावास्तु के सरल टेक्निक्स, हमारी सनातन विद्या जो हमें सही देखना सिखाती है और उसका निदान भी देती है। फिर से आपसे कनेक्ट होंगे, नमस्कार। I'm